एवरी वन वेलकम टू माई चैनल दिस ट्राइंगल दिस ट्राइंगल में आप लोगों का स्वागत है देखिए फर्स्ट देख लीजिए ये जो लुक्स नेचुरल लुक्स है ये तीनों साइड में ये पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है हम लोग इधर से आए हैं आके ये जो है इधर पे स्टोन जो पहाड़ का जो स्टोन इसको काटता है काट के ये एरिया जो है पूरा बना हुआ है हम लोग को बहुत बढ़िया एक जगह मिला वीडियो करने के लिए और सामने जो ऊपर में दिख रहा है ऊपर चढ़ने के लिए वो ऑलरेडी हिमालयन जो मेरा फ्रेंड का है और मेरा डोमिन में ट्राई किया हिमालयन ऑलरेडी चला गया उसका वीडियो मैं इसमें डाल देता हूँ बट डोमिनर नहीं जा पाया पूरा स्पीड हो गया पावर ज़्यादा है बट फिर भी पूरा व्हील जो है पूरा रोटेट हो रहा है बाकी आते हैं अभी देखिए दो भाई खड़ा हुआ है भाई बोल सकते हैं राइवल बोल सकते हैं जो भी है तो दो खड़ा हुआ है तो ये जो है एकदम न्यू लिया है आई थिंक वन वीक हुआ है ये लिया है ये बी एस सिक्स रॉयल एनफील्ड हिमालन और ये तो एज इट इज़ डोमिनार फोर हंड्रेड सो उस पेक के हिसाब से थोड़ा कंपेरिज़न कर देते हैं डोमिनार थ्री सेवेंटी थ्री पॉइंट थ्री सी सी का फोर स्ट्रोक डी ओ एस सी ट्वेल्व इंजेक्टेड इंजिन लिक्विड कूल्ड है इसमें और हिमालयन का जो है फोर वन वन सी सी फोर स्ट्रोक एस ओ एस सी इंजन और ऑयल कूल्ड cool इसमें है देखिए इधर में ऑयल कूलर लगा हुआ है न्यू आई थिंक न्यू जो अभी आ रहा है इसमें ऑयल कूलर दिया हुआ है और इसका पावर फिगर बोलते हैं तो हिमालयन का जो है ट्वेंटी फोर पॉइंट इसका पावर है और अराउंड सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड आर में और न्यूटन मीटर इसका जो है थर्टी टू मीटर के न्यूटन मीटर है थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सॉरी फोर थाउज़ेंड फाइव हंड्रेड आर में और जो डोमिनर का है फोर्टी पी एस फोर्टी बी पावर है एट थाउजेंड एट हंड्रेड आर में और थर्टी फाइव मीटर सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड आर पी एम में ये हो गया डोमिनर का पावर के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली डोमिनर का बहुत ज़्यादा पावर फिगर है बट परफॉर्मेंस वाइज इसका दोनों का जो मतलब एग्रेशन जो है या जो प्रोस्पेक्ट्स है वो टोटली डिफरेंट है बिकॉज ये जो है स्पोर्ट्स क्रूजर है और ये जो है हाई हाँ, वे क्रूज़र बोल सकते या एडवेंचर क्रूज़र बोल सकते हैं इसका जो है सामने में ट्वेंटी वन इंच का स्पोक व्हील दिया हुआ है जो ट्यूबलेस नहीं है बिकॉज ये जो है ऑफ रोड के लिए टोटली डिज़ाइन किया हुआ है पीछे में जो सत्रह इंच का दिया हुआ है तो इसमें यही एक है कि इसमें ट्यूबलेस नहीं आता है तो पंक्चर होने से थोड़ा दिक्कत होता है बट उसका भी सोल्यूशन आ जाता है अभी आफ्टर मार्केट बहुत सारा कुछ अवेलेबल है बाकी दोनों का परफॉर्मेंस के लिए बोलते हैं कि ऑब्वियसली पावर के हिसाब से डोमिनार बहुत ज़्यादा है हाईवे में इसको बीट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है बिकॉज ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि डोमिनार कैसे फोर्थ गियर में खींच लिया वन थर्टी फाइव तक बट इसका वो चीज़ नहीं है रीज़न क्या है इसका ये उस हिसाब से डिज़ाइन किया ही नहीं है हिमालयन जो है एक नॉर्मल क्रूज़र के लिए यूज़ किया बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है बिकॉज इसका सस्पेंशन ट्रैवल बहुत ज़्यादा है आप लोग देख सकते हैं और इसका भी देख सकते हैं बहुत डिफरेंस है सस्पेंशन ट्रैवल में ये हाईवे के लिए डिज़ाइन किया हुआ है ये ऑफ रोड के लिए मेरे डिज़ाइन किया हुआ है छोटा मोटा ऑफ रोडिंग कर सकते हैं बट ऑलरेडी मैं अभी ऑफ रोड में ट्राई किया ये देखिए ऊपर में बट मैं वो चरा नहीं पाया बिकॉज वो जो व्हील है वो स्कीड हो रहा था और मेन थिंग से इसमें जो है हिमालयन में वो दिया हुआ है ऑफ़ रोड टायर और इसमें जो है हाईवे क्रूजिंग का टायर दिया हुआ है तो हाईवे क्रूजिंग टायर में एक अच्छा क्या है कि इसमें कॉर्नरिंग आप बहुत बढ़िया से कर सकते हैं और इसमें जो है आप उतना बढ़िया कॉन नहीं कर सकते बट ऑफ रोड में ये बहुत ज़्यादा ग्रिपी है ये तो एक चीज़ है डोमिनर में भी आप बहुत सारा अभी ऑफ रोड का टायर आता है सेम सेक्शन में ही एम का भी अवेलेबल है तो वो तो यूज़ करने से आई थिंक ये वो चढ़ जाता है ईजिली बट उसमें क्या है कॉन का जो है वो उतना पॉसिबल नहीं होता कॉन में उतना कॉन्फिडेंट नहीं आएगा और ब्रेक एफिशेंसी भी उतना नहीं रहेगा तो ये जो चीज़ है हिमालयन का आप इजिली एट्टी नाइन्टी का स्पीड में क्रूज कर सकते हैं और डोमिनर का अराउंड हंड्रेड टेन में इजीली आप क्रूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम तो यही है डिफरेंस बाकी कंपैरिजन में टैंक का कंपैरिजन इसमें थर्टीन लीटर का टैंक आता है इसमें फिफ्टीन लीटर का टैंक आता है और आ, ये जो है अपराइट सिटिंग पॉस्चर है हिमालयन का और डोमिनर का थोड़ा एग्रेसिव है मेरा थोड़ा, है थोड़ा हैंडल बार राइज किया हुआ है इसके लिए थोड़ा अप अपराइट पोजिशन हुआ है बट फिर भी हिमालयन का जो है वो ऑपराइट पोजिशन ज़्यादा है हिमालयन को मेनली डिज़ाइन किया होगा कम्फर्टेबल के लिए तो हिमालयन लेके आप वहीं पर भी जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम ये है हिमालयन का सबसे बढ़िया चीज़ मतलब हिमालयन में जो ऑफ रोड का है जैसे मैं ये सिचुएशन में बोल रहा हूँ ये जो एरिया है ये जो ट्रेन है ये ट्रेन में हिमालयन इज़ द बेस्ट जो बहुत सारा बाइक है ये कैटेगरी में या ये रेंज में हिमालय इज़ द बेस्ट क्योंकि बुलेट जो लोग बुलेट 350 या क्लासिक 350 लेता है एज कम्पेयर टू क्लासिक 350 ये बहुत ज़्यादा कैपेबल है इससे ऑलमोस्ट टेन टू ट्वेंटी थाउजेंड ही एक्स्ट्रा है तो मैं रिकमेंड करूँगा बुलेट से ये बहुत ज़्यादा कैपेबल है ओब्वियसली एक ही जो है उस वोक व्हील का वो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा आफ्टर मार्केट बहुत सारा ऑप्शन है बट जो पावर फिगर के हिसाब से बुलेट से ये ज़्यादा ही है और कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है फॉर क्रूजिंग एंड अगर आप लोकल में भी चलाएंगे ट्रैफिक में भी चलाएंगे तो इजीली इस इसमें कोई दिक्कत वाला बात है नहीं अभी आते हैं डोमिनार में डोमिनार को बनाया गया है मतलब स्पोर्ट्स क्रूजर कंपनी इसको बोलते हैं तो रियली स्पोर्ट्स क्रूजर टाइप का ही है बहुत ज़्यादा भागता है वाइब्रेट भी बहुत ज़्यादा होता है ये एक पॉइंट है कि डोमिनार का वाइब्रेशन मीन्स बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है हिमालयन का जो है रियली इट इज़ द मोस्ट कम्फर्टेबल बाइक मोस्ट कम्फर्टेबल बाइक मीन सिक्सटी सेवेंटी का स्पीड में थर्ड गियर में चल रहा है कोई कोई भी वाइब्रेशन नहीं है कुछ नहीं है एकदम एकदम मतलब क्या एकदम स्मूथ है टैंक में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आता है और डोमिनर में हैंडल बार में वाइब्रेशन आता है तो टैंक का जो वाइब्रेशन है ऑब्वियसली उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है पर डोमिनर का हैंडल बार में वाइब्रेशन आएगा थ्री थाउजेंड टू फोर थाउजेंड आर पी एम में तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि थ्री थाउजेंड टू तो फोर थाउजेंड आर पी एम में इसका अच्छा खासा माइलेज दे देता है लेकिन वो आर पी एम में थोड़ा सस्टेन करना मुश्किल होता है क्योंकि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है सो यही एक शॉर्ट कम्परिज़न एंड हिमालयन में एक चीज़ अच्छा है कि हिमालयन में स्विच ए बी दिया हुआ है जो आपको रेयर व्हील का एबीएस आप स्विच ऑफ़ कर सकते हैं ये एक अच्छा फंक्शन दिया हुआ है जो डोमिनर में अवेलेबल नहीं है ये एक ड्रॉबैक है डोमिनर का क्योंकि देना चाहिए ऐसे भी डोमिनर का पीछे का ब्रेक तो उतना लगता है नहीं तो आफ्टर मार्केट कुछ करना पड़ेगा ऑलरेडी मैंने तो इसका ब्रेक चेंज कर दिया है सो so, यही है बाकी हिमालयन इज़ अ गुड ऑप्शन बिकॉज मोस्ट कम्फर्टेबल है ये मैं बोल सकता हूँ कि ऑलरेडी जो लोग प्लानिंग कर रहा है क्लासिक थ्री फिफ्टी के लिए तो एक बार जस्ट स्ट्रेज ड्राइव दे हिमालयन का दिस इज द मोस्ट कम्फर्टेबल बाइक सो वीडियो को करते इधर पे एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन बाय बाय